बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बायजुराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्रथम लागो दो चरण को धनियन छुड़ायो छिन्न लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातुन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो तुम हमारे थे धनी जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे हैं
कहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश कहो मैं रास को, यह सुनियो तुम सार, अब महामति कहे सो सुनो, दया को विस्तार, दया को विस्तार, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद, ये गुण मुझे क्यों बिसरे, मोसों हुए सब अखंड, मोसों हुए सब अखंड, अब तो मेरे पिया की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के असीम अनुकंपा द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रेषण केंद्र के इस पावन पवित्र स्थान पर सप्त दिवसीय तारतम वाणी चर्चा प्रसंग में आज पांचवें दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी, उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जनवेंद्र सुंदर साह जी, आप सबको सभक्ति सप्रेम प्रणाम प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, महामती स्वामी श्री प्राणिनाथ जी महाराज की यह दिव्य वाणी तारतम वाणी का चर्चा हम श्रवण करते आ रहे हैं। तारतम सागर अंतर्गत कलश ग्रंथ के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं हम, तो आज का हमारा प्रसंग है दया का प्रकरण। अब तक हमने विरह के प्रकरण के द्वारा चर्चा किया, उसके बाद फिर इशक का प्रकरण, फिर संबंध का प्रकरण, फिर सुहागिन का लक्षण, और बीच में और भी कई सारे प्रकरण है, जैसे खेल का प्रकरण, खेल में खेल का प्रकरण, और पंथ पेड़ी ने खेचा खेच ये प्रकरण भी है, वेद का कोहेड़ा, बैराट का कोहेड़ा, इस विषय में भी प्राणिनाथ जी ने खुलासा किया, और आगे बढ़कर के फिर अवतार का प्रकरण भी है, क्योंकि संसार में जो अवतारी पुरुष आकर के जो लीला किया करते थे, जब बुद्ध अवतार कल के अवतार जाहिर हुए, अब यह इस अवतार के ऊपर अब कोई अवतार होना बाकी नहीं है, जिन्होंने वह अखंड दिव्य परम धाम का ज्ञान जाहिर किया, तो अवतार के प्रकरण के ऊपर भी प्राणिनाथ जी महाराज ने बहुत सारी चिंतन कराया है, और उसके बाद फिर आगे बढ़कर के गोकुल लीला का प्रकरण, फिर योग माया का प्रकरण, ये सारे प्रकरण कलश ग्रंथ के अंदर है, और उसके पश्चात है दया का प्रकरण। तो आज हम दया के प्रकरण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं।
क्योंकि परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा, दया शब्द को कृपा शब्द से, मेहर शब्द से अलग अलग शब्द के द्वारा बताया है। स्वयं महामती प्रणव्यास जी ने ही अपनी वाणी में कहीं तो कृपा शब्द प्रयोग किया है, कहीं तो दया शब्द प्रयोग किया है, कहीं तो मेहर शब्द प्रयोग किया है। चाहे शब्द दया हो, कृपा हो, मेहर हो, भाव एक ही है। रास ग्रंथ में प्रणव्यास जी महाराज ने कृपा शब्द प्रयोग किया, कृपा करछु अमज तनी, राज्य की कृपा की बात रास ग्रंथ में किया। अगर राज्य महाराज हमें कृपा करेंगे तो ये संसार भवसागर से हम तर सकते हैं। और उसी कृपा को फिर प्रकाश ग्रंथ में आकर के गुण शब्द के द्वारा भी उस कृपा की बात की है। राज्य महाराज ने हमें कितना कृपा किया, कितना मेहर किया, कितनी दया किया, प्रकाश ग्रंथ में वो कृपा, वो मेहर, वो दया को गुण शब्द के द्वारा व्याख्या किया है। और प्रकाश ग्रंथ में गुण गिनने के प्रकरण के द्वारा अक्षरातीत धाम धनी ने हम आत्माओं के ऊपर कितनी कृपा की, कितनी मेहर की, कितनी दया की, उस विषय में एक एक गुणों का चिंतन कराते हुए वो कृपा का एक हिसाब किया है। वैसे तो परमात्मा की कृपा, सदगुरु की कृपा, उसको कोई हिसाब में ला ही नहीं सकते, वो असीमित है, अथाह है। इसलिए तो हम कहते हैं मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, न लिखने में आए, न पढ़ने में आए, न सुनने में आए, मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं। श्री राज की मेहर हम कैसे गा सकते हैं, न उसको लिख करके पूरा कर सकते हैं, न उसको पढ़ करके कभी पूरा कर सकते हैं, न कभी उसको गा करके हम कभी पूरा कर सकते हैं। वो तो अथाह है, असीमित है। संसार में ज्ञानी जनों ने भी परमात्मा की कृपा के विषय में क्या कहा, सब धरती की कागज करो लिखनी करो बन राय, सात समुद्र की स्याही करो तो भी गुरु गुण लिख्या न जाए, तो भी हरि गुण लिख्या न जाए। इस तरह से गुरु की महिमा, हरि परमात्मा की महिमा को गाने के लिए ज्ञानी जनों ने भी कहा है, ये सारा धरती को कागज बना करके, बनराय को लिखनी बना करके, सात समुद्र की स्याही मसी बना करके परमात्मा के गुण गिनती करने के लिए बैठ जाएं तो भी एक गुण भी गिनती नहीं कर सकते। ये भाव तो हर किसी ने बताया है। महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा ने बीतक के प्रसंग में आया है, जब सदगुरु महाराज के जमाने में ही जब सदगुरु चर्चा करते थे तो वो चर्चा की चर्चा करते थे, सदगुरु की कृपा के द्वारा, सदगुरु का वो ज्ञान आवेश के माध्यम से जब इंद्रावती आत्मा की वासना जागृत हुई तो वो सदगुरु महाराज के जैसे ही वो चर्चा का चर्चा करके सुंदर सात को सुनाते थे। तो उस प्रसंग में आया, इंद्रावती आत्मा चर्चा करते समय परमधाम की बातें, ब्रजराज की बातें, जागरी में तारतम के महत्व, ये सारी बातों तो चर्चा के रूप में प्रस्तुत करते ही थे, परंतु विशेष करके और इंद्रावती आत्मा सदगुरु के गुण, राज्य के गुण के विषय में विशेष चर्चा करते थे। इसीलिए बीतक में चौपाई आया है ना, जान हून कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन मथा मथा कोड़ मुह 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 कोड़ जीवन हितरा मिड़ी तो ही जा ताजे गुण गिनन भाल तो ही जी हिकड़ी ताके कीन पूजन। इस तरह से एक जानवर में अनेकों अनेक शरीर हो और लाखों शरीर हो और उन लाखों शरीर में से एक शरीर में अनंत शरीर हो, उनमें से एक शरीर में अनंत मुंह हो, अनंत मुख में से एक मुख में अनंत जीवा हो, ये सारे मिलकर के एक साथ धनी के गुण गिनने लगे, सदगुरु की गुण गिनने लगे, तो भी एक बूंद का भी किनारा नहीं पाया जा सकता। ऐसे असीमित अथाह अलेखी कृपा, अलेखी गुण, इस विषय में बीतक में भी चर्चा किया है, जो इंद्रावती आत्मा ने अपने मुखारविंद से गुण गाया है। वही भाव प्रकाश ग्रंथ में प्रणव्यास जी महाराज ने गुण गिनने के प्रकरण के द्वारा चर्चा किया, और उसमें ऐसा भाव है, ये चौदलोक ब्रह्मांड को कागज बना करके,
ये 14 लोक ब्रह्मांड में जितने भी बनराए हैं, जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब को कलम बना करके और 7 समुद्र में जितने भी पानी है उसको मसी बना करके उस भाव से गुण गिनने के लिए बैठ गए। और इंद्रावती आत्मा कहते हैं कलम भी मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, क्योंकि वो कलम बनाते समय भी ज्यादा छिलका को ऐसे बेकार में जाने दिया और वो कलम का जो नोक है वो बड़ा बड़ा बनाया तो मसी भी ज्यादा लगेगा और कागज भी ज्यादा जगह कवर करेगा तो धनी के गुण पूरी तरह से गिन नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। इंद्रावती की वो जागृत हृदय और जागृत हाथ के द्वारा स्वयं मेहनत करके उस भाव में गुण गिनती करने लगे तो कहते हैं अंतिम में वो धनी के गुण की महासागर में से एक बूंद उठा करके वो गिनती करने लगे, परंतु कागज खत्म हुआ, कलम खत्म हुआ और मसी भी खत्म हुआ, गुण तो जैसा का तैसा रह गया। जितनी शून्य धराया है इंद्रावती आत्मा आगे भाव व्यक्त करते हैं, अभी जितनी शून्य हुआ उतने ही ब्रह्मांड को कागज बना करके, उतने ही ब्रह्मांड की बनराय को कलम बना करके, उतने ही ब्रह्मांड के पानी को स्याही बना करके धनी के गुण गिनने बैठे, फिर भी वो सारा खत्म हुआ, समाप्त हुआ, परंतु धनी की वह अथाह गुण का सागर जो है, गुण का भंडार जो है, वो तो ज्यों का त्यों रह गया। इतनी अथाह असीमित कृपा राज्य महाराज ने हम आत्माओं के ऊपर किया है और सदगुरु स्वरूप में स्वयं धाम धनी आकर के हमारे ऊपर वो कृपा की है। पहले तो श्री राज्य महाराज ने यह खेल दिखाया, वही कृपा है। मानव तन में हमें यह मनुष्य शरीर प्रदान किया, यही परमात्मा की कृपा है। और इस मनुष्य शरीर के अंदर स्वयं परमात्मा ने रूहों को फूका, आत्मा को फूका, यही परमात्मा की कृपा है। और इस मनुष्य शरीर में जीने के लिए प्रकृति में सारे वस्तु पदार्थ एकदम व्यवस्थित करके दिया है, ये भी परमात्मा की कृपा है। पल पल में, क्षण क्षण में, कण कण में परमात्मा की कृपा, राज्य की कृपा को हम महसूस कर सकते हैं और महसूस करना चाहिए। तो प्रकाश ग्रंथ में एक प्रकरण में महामति प्रणिनाथ जी महाराज धनी के गुण के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकरणों में गुण के विषय में बात की है, तो कहते हैं गुण कहते कहो मेरे पियू की जो हमको किए अलेख है जी। हमारे साथ में हमें जो धाम धनी स्वरूप पियू परमात्मा ने जो गुण किया है, जो कृपा किए हैं, वो मैं कहां तक वर्णन करूं, किस शब्द से वर्णन करूं, वो तो अलेख है, असीमित है। इस तरह से महामति प्रणिनाथ जी प्रकाश ग्रंथ में भी जो कलश ग्रंथ में दया शब्द के द्वारा चर्चा कर रहे हैं, उसी चीज को प्रकाश ग्रंथ में गुण शब्द के द्वारा चर्चा किया और कहते हैं गुण के ते कहो मेरे पियो जी, गुण के ते कहो मेरे पियो जी, जो हम सो के अलेख जी, गुण के ते कहो मेरे पियो जी, गुण के ते कहो मेरे पियो जी, ए बुध इन आकार के, ए बुध इन आकार के, क्यों कर कहे जो आवे वेक जी, गुण के ते कहो मेरे पियो जी, गुण के ते कहो मेरे पियो जी, के बिद बिद के सुख धाम के जो हमको देते जी, के विद विद के
सुख धाम के जो हमको देते जी तारतम कर के रोशनी तारतम कर के रोशनी कई विद करे प्राप्त जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी सेह जल सुख में झेलते कहो दुख ना सुनिया नाम जी सेह जल सुख में झेलते कहो दुख ना सुनिया नाम जी सो माया मित आए के सो माया मित आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड़ लड़ाए जी कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको निर्मल नेत्र किए जो आत्म के निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दा दिए उड़ाए जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी आप पहचान कराए अपने ले अपने पास जगाए जी आप पहचान कराए अपने ले अपने पास जगाए जी बड़े बड़ाए दे आप थे बड़े बड़ाए दे आप थे ले इंद्रावती कांच लगाए जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी जो हम सो के अलेखे जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी कहो मेरे पियो जी गुण के ते कहो मेरे पियो जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की महामती प्राणनाथ जी कहते हैं पियो परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी ने हम आत्माओं के ऊपर कितने गुण किए हैं कितने मेहर की है उसको मैं कहां तक वर्णन करूं
कई बीद बीद के सुख धाम को जो हमको दिए इत जी। परम धाम की जो अलग अलग प्रकार की सुख जो है, आनंद जो है, उसको हमें यहाँ खेल के बीच में दिखाया और आनंद प्रदान कर रहे हैं। तारतम के माध्यम से हमारी हृदय को, दृष्टि को निर्मल पवित्र बना रहे हैं। परम धाम में तो सहजल सुख में झेलते काऊ दुख ना सुनिया नाम जी। वो सहजल, वो आनंदमय प्रेममय सुख में रमन करते, झेलते, गोता लगाते, दुख का कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। वो दुख के नाम न सुनने के कारण, दुख की अनुभूति न होने के कारण, वो परम धाम के असली सुख का पता ही नहीं था। इसीलिए श्रीराज जी महाराज ने इतनी मेहर की। स्वयं श्रीराज जी महाराज ने खेल दिखाने के लिए अपने दिल में लिया, ये भी तो राजी महाराज का मेहर है, कृपा है। हालांकि खेल दुखदाई है, संसार दुखदाई है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि श्रीराज जी महाराज ने हमें यह खेल क्यों दिखाया। हम अनजान थे, हम नादान थे, ना समझ थे, परंतु राजी को तो सब कुछ पता था, फिर भी राजी ने हमें ऐसा खेल क्यों दिखाया जो दुखदाई खेल है, इस तरह से हमें लगता है। परंतु राजी महाराज ने जो खेल दिखाया है ना, इसके पीछे भी भाव जो है परम धाम की आनंद बढ़ाने के लिए ही है। इसीलिए प्रणिनाथ जी कहते हैं, सहजल सुखमा झीलते काहू दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया में इतना आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी। ये माया जो द्वैत रूपी माया है, इस माया, इस संसार के विषय में क्या कहा, ये असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप, ये संसार का गुण है, ये शरीर का गुण है। और मोह, अज्ञान, भर्मना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण, ये संसार का गुण है। जहां पर असत ही असत है, जहां पर मोह ही मोह है, भ्राम ही भ्राम है, द्वैत ही द्वैत है, परंतु श्रीराज जी की मेहर कितनी बड़ी, इस दुखरूपी संसार के बीच में भी वो अखंड सुख को प्रदान किया तारतम ज्ञान के माध्यम से, वो राज जी की मेहर है। इसीलिए तो कहते हैं, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। अखंड भूमि, सुखमय भूमि, परम धाम में बैठ करके वो सुख का, वो आनंद का महत्व हमने समझ नहीं सका। इसलिए संसार, यह दुख रूपी संसार को दिखाया, दुख आवे सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। दुख के पश्चात जब हमें सुख का महसूस होता है ना, उसमें कितनी ज्यादा आनंद है। राजी महाराज ने हमें वो सुख का अनुभूति कराने के लिए, वो इष्ट का लज्जत अनुभूति कराने के लिए यह दुखदायी खेल को दिखाया, और फिर तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें वो परम धाम का सुख इसी संसार में अनुभव करा रहे हैं। और तारतम ज्ञान के माध्यम से हमारी जो दृष्टि को, हमारी विवेक को निर्मल बनाया, पवित्र बनाया, और यहां बैठे बैठे परम धाम के सुख, परम धाम के आनंद अनुभूति कर रहे हैं। राजी महाराज की कितनी बड़ी मेहर है। इस तरह से प्रकाश ग्रंथ में राजी की कृपा, सदगुरु की कृपा, उसको गुण शब्द के द्वारा बताया है। और कहते हैं, धनी की गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण। धनी ने कितना सारा गुण किया है, कृपा किया है, यहां पर भी गुण शब्द के द्वारा वो मेहर, वो दया को बताते हैं। धनी के गुण की क्या कहूं, धामधनी स्वरूप ने हमें जो गुण किया है, कृपा किया है, मेहर किए हैं, उसकी मैं कहां तक वर्णन करूं। इन अवगुण पर एते गुण, मेरे तरफ से इतने सारे अवगुण करता रहा, परंतु धनी ने अपनी तरफ से कितने गुण और कितने मेहर किया। तो इस तरह से इंद्रावती आत्मा कहती है, और राज्य महाराज जो प्रियतम धाम धनी है, उनकी कृपा, उनकी मेहर देखिए। तो प्रणिनाथ जी महाराज कहते हैं, बाले थे बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुभान। देखिए उनकी कृपा,
कई बार हम क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाता है, उस समय में जीने का कोई मतलब आशा ही नहीं रहता है। जब हम छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, कैसी कैसी दुर्घटना में पड़े, तो ऐसी अवस्था में भी मतलब सुरक्षित रखने वाले कौन है, वही परमात्मा है, वही राज्य है। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी कहते हैं, बाले थे बाल्य अवस्था से जन्म से लेकर के बुढ़ापे लग वृद्ध अवस्था तक, शरीर छुट्टे अवस्था तक मेरे सिर पर खड़े सुभान, मेरे सिर के ऊपर सुभान प्रियतम धनी परमात्मा खड़े हैं, वही सबको रक्षा कर रहे हैं, वही सबको अपने चरण के आश्रय में अथवा अपनी कृपा के आश्रय में रख करके सबको सुखीमय जीवन प्रदान कर रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। उसी को फिर प्रणिनाथ जी महाराज ने आगे आकर के यहां पर कलश ग्रंथ में उसी गुण को यहां दया शब्द के द्वारा बताया और कहते हैं, अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद्र, ये गुण मुझसे क्यों विसरे, मोसो हुए सब अखंड। यहां पर एक ही चौपाई में गुण शब्द की लिया और दया शब्द को भी लिया। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद, मेरे धाम धनी स्वरूप प्राण प्रियतम श्रीराज जी महाराज ने जो कृपा किए हैं, जो दया किए हैं, जो गुण किए हैं ना, अब ये गुण, ये दया, ये ब्रह्मांड में नहीं समाएगा, क्योंकि ये दया ब्रह्मांड का दया नहीं है, संसार का दया नहीं है, ये तो अखंड परम धाम की दया है, और दया करने वाले स्वरूप भी अखंड परम धाम के स्वरूप है। इसलिए वह आगे कहते हैं, ये गुण मुझे क्यों बिसरे, मोसो हुए सब अखंड। इंद्रावती आत्मा प्रणिनाथ जी कहते हैं, धनी ने देखिए मुझे कितनी बड़ी शोभा दी, मेरे द्वारा सारे दुनिया को अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी मेहर है, क्योंकि अक्षरातीत धाम धनी स्वयं इंद्रावती के हृदय अंतस्करण में विराजमान होकर के यह सारे कार्य कर रहे हैं। सदगुरु के अंदर जो आवेश शक्ति था वो भी इंद्रावती आत्मा के अंतर हृदय में विराजमान होकर के ये सारे कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से दुनिया को अखंड करा रहे हैं, तो ये राज्य की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी मेहर है। जो सृष्टि उत्पत्ति काल से ही नाश्वांत था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, मिटने वाला क्षण भंगुर सृष्टि को भी ब्रह्म सृष्टि की ताकत से, तारतम के माध्यम से, इंद्रावती के हाथ के द्वारा ये सारा सृष्टि को ही अखंड बनाया, कायम बनाया। इसीलिए ये दया को मैं किस तरह से वर्णन करूं, सुहागनियो पिया दया गुण कैसे कहूं, हे सुहागिन आत्माओं, मेरे प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम मेरे धाम धनी श्रीराज जी महाराज की गुण, उनकी दया को मैं किस तरह से वर्णन करूं। सुहागिन आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं और आगे कहते हैं, अब गली में दया मिने सागर स्वरूपी खीरा, दया सागर भरपूर एक बूंद नहीं नीरा। देखिए धनी की दया में एक बूंद नीर भी नहीं है, खीर ही खीर। वाणी में खीर और नीर शब्द बहुत बार आता है, इसका अर्थ क्या है, हम सेवा पूजा में भी गाते हैं ना, तारतम ज्ञान हाथ कर लीन हो, छीर नीर को निर्णय किन हो। तो छीर और नीर का निर्णय करना, जहां पर छीर ही छीर हो, नीर न होना, इसका अर्थ क्या है, छीर दूध है, नीर पानी है, और यह छीर दूध ब्रह्म का द्योतक, ब्रह्म का प्रतीक है, और नीर जो माया का प्रतीक है। कहने का मतलब यहां पर सिर्फ परमात्मा का प्रेम ही प्रेम है, वो छीर का सागर प्रेम का सागर, वो प्रेम ही प्रेम है, परमात्मा की दया ही दया है, वहां पर जरा सा भी नीर रूपी माया का असर है ही नहीं, सिर्फ उसमें तो परमात्मा की दया परमात्मा का प्रेम ही प्रेम है। और आगे परमात्मा की दया राज्य की दया को याद करते हुए कहते हैं, दया मुकुट शीरा छत्र चमर दया सिंहासन पाट, दया सबों अंगों पूरन सब हुआ दया की ठाट। इस तरह से, क्योंकि प्रणिनाथ जी महाराज ने अपने जीवन में देखा,
प्रणिनाथ जी आगे बढ़ते हुए ये कलश ग्रंथ को भी अगर देखे, कलश गुजराती सूरत में आकर के अवतरण पूरा हुआ और यह कलश हिंदी अनूप शहर में जब प्रणिनाथ जी पहुंचे तो अनूप शहर में यह कलश हिंदी अवतरण हुआ और प्रणिनाथ जी महाराज अपने ही जीवन को अपने ही यात्रा को देख रहे हैं कि राज्य महाराज ने कितनी बड़ी श्रेय कितनी बड़ी एक उपमा दिया है। प्रणिनाथ जी महाराज धर्म प्रचार की यात्रा में आगे निकल पड़े, जैसे सूरत में आकर के 17 महीने तक वहां पर जागनी लीला की, तो वहां पर जो जागृत आत्मा है उन आत्माओं ने प्रणिनाथ जी के अंदर ही अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज्य की शक्ति और श्रीराज्य के स्वरूप को पहचान करके सूरत की भूमि में ही प्रणिनाथ जी को आसन के ऊपर आसीन करा करके वहां पर आरती उतारी गई और आरती उतार करके कोई सुंदर सा समर डुला रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, छत्री लगा रहे हैं, ये शोभा स्वयं देख रहे हैं। फिर वहां से आगे बढ़ चले प्रणिनाथ जी, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर बीच में हरिद्वार जाना हुआ। हरिद्वार में जाकर के 4 महीने तक रह करके वहां पर भिन्न भिन्न धर्मावलंबी के संत मनीषी आचार्यों के साथ में ज्ञानी जनों के साथ में धर्म चर्चा हुआ। सामने प्रणिनाथ जी महाराज को ये तो 28वें कलियुग के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है, क्योंकि इनकी ज्ञान में तो कोई कलंक ही नहीं है, आत्मा को प्रकाशित करने वाले और ब्रह्म तत्व का पहचान कराने वाला ज्ञान है, ये तो स्वयं निष्कलंक स्वरूप है। इस तरह से जब पहचान किया तो महामति प्रणिनाथ जी महाराज को सब मिलकर के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की पदवी से विभूषित कराकर प्रणिनाथ जी की आरती उतारी गई। देखिए तो भाई नहीं रे, नव खंडो आरती, नवो खंडों से आरती कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और प्रणिनाथ जी की उस आरती में कौन कौन आए, कौन कौन सम्मिलित हुए। आरती का मतलब क्या है? आ करके रति मिल जाना। संसार के सारे ज्ञान सिद्धांत दर्शन प्रणिनाथ जी के सिद्धांत में आकर के मिलना, प्रणिनाथ जी के तारतम्य दर्शन में आकर के मिलना, वही वास्तविक आरती है। प्रणिनाथ जी महाराज ने उस भाव में भी अपनी वाणी में कहा, कौन कौन आए प्रणिनाथ जी को आरती के द्वारा स्वागत करने के लिए? धर्मराज आए, इंद्र आए, नारद आए और ब्रह्मा विष्णु महेश आए, सुखदेव आए, सनकादिक आए, 4 आश्रम वाले आए और गच्छ अरहंती, ऐसे ऐसे बहुत सारे शतदर्शनी, हर कोई प्रणिनाथ जी को वहां पर आरती उतार करके सम्मान कर रहे हैं। तो इस स्थिति में सिर्फ कलश ग्रंथ अवतरण तक की स्थिति को भी अगर देखेंगे तो प्रणिनाथ जी महाराज देख रहे हैं सूरत में सुंदर साथ ने आरती उतारा, हरिद्वार में जाकर के सारे धर्म संप्रदाय के आचार्यों ने, ज्ञानी जनों ने, ऐसे अवतारी पुरुषों ने प्रणिनाथ जी को आरती उतार रहे हैं, चमर डोला रहे हैं, छत्री लगा रहे हैं, ये देखा उन्होंने तो ये कैसे संभव हुआ? ये मेरे धनी की दया है, ये राज्य की कृपा है, उनकी ही दिया हुआ बल के द्वारा जो मेरे माध्यम से जो कार्य हुआ वो कार्य के लिए ये श्रेय ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। उसके अंदर भी इंद्रावती आत्मा महामति प्रणिनाथ जी वो दया, वो गुण, वो मेहर अपने प्रियतम धाम धनी श्री राज्य को अर्पित करते हैं, सदगुरु महाराज को वो श्रेय देते हैं और जहां भी उनको ऐसी स्थिति में वो पहुंचे उसका श्रेय कभी भी प्रणिनाथ जी ने अपने ऊपर नहीं लिया है। वो तो कहते हैं मैं तो जितना चाहा था मैंने इतना ज्यादा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, न मेरे दिल में कभी ऐसा बात ही थी, मैंने जितना चाहा था उससे कई अधिक गुना कृपा, अधिक गुना दया, अधिक गुना धन सदगुरु महाराज ने मेरे अंदर भर दिया। रास ग्रंथ में प्रणिनाथ जी ने कहा फलवान साथी अधिक दीधा, मैंने जितना चाहा था उससे कई गुना ज्यादा मेरे धनी मेरे सदगुरु मेरे राज्य महाराज ने दिया, उनकी ही कृपा उनकी ही दया उनकी ही मेहर के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए प्रणिनाथ जी महाराज कहते हैं यहाँ सुंदर सा तो उनको मुकुट भी पहना रहे ना, ये भी राज्य की दया है, वो मुकुट भी दया का प्रतीक है।
सिर के ऊपर छतरी लगा रहे हैं ये भी धनी की दया है, कोई चमर डुला रहे हैं वो भी धनी की दया है, और दया सिंहासन पाट सिंहासन के ऊपर कोई बिठा रहे हैं वो भी राज्य की दया है, वो सिंहासन भी दया सबो अंग पूर्ण अंग अंग में राज्य की दया महसूस हो रहा है, सब हो दया का ठाट, सब दया का ही ठाट, दया का ही स्वरूप, दया का ही श्रृंगार भरपूर हुआ है। सदगुरु महाराज ने जिस तरह से इंद्रावती आत्मा के ऊपर कृपा की उसको याद करते हुए इंद्रावती आत्मा अपनी वाणी में गाते हैं, जिस दिन जिस क्षण जिस घड़ी में सदगुरु के चरण में आया और सदगुरु ने मेरे दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ा और मेरे अंदर यह तारतम बीज को बोया, उस दया को मैं कहां तक वर्णन करूं। आज मेरे द्वारा जो कुछ भी कार्य हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वही धनी की दया है। तो प्रणिनाथ जी महाराज ऐसी भाव में बताते हैं, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंगा, ता दिन थी पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। मैं तो सदगुरु के दर्शन करने के लिए एक बार दर्शन की तमन्ना लेकर के चाह लेकर के आया था, सदगुरु महाराज ने मेरे दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके यह तारतम का आवेश जागृत बुद्धि का आवेश शक्ति मेरे हृदय अंतस्करण में भर दिया, और जिस तरह से सदगुरु महाराज ने मेरे अंदर वो जागृत बुद्धि का आवेश तारतम का आवेश भर दिया, ता दिन थी दया पसरी पल पल चढ़ते रंग, उसी दिन से मेरे अंदर धनी की दया फैलने लगा, विस्तार होने लगा और फैलते फैलते आज इस स्थिति में आ पहुंचा। इंद्रावती आत्मा के वह हृदय रूपी खेत को एक अच्छा भूमि जान करके समझ करके सदगुरु महाराज ने तारतम ज्ञान रूपी हल को चलाया और निज नाम बीज रूपी मंत्र को वहां पर बोया और परमधाम की इशक रूपी जल को सिंचन किया। तो कहते हैं, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकार। मेरे धाम धनी स्वरूप हादि रूप में सदगुरु स्वरूप में आकर के मेरे इस हृदय को खास समझ करके तारतम ज्ञान रूपी हल चलाया और बोया बीज वतन का, परम धाम का वह बीज को मेरे हृदय में बोया, और जिस तरह से सदगुरु महाराज ने जिस भाव में और जिस मेहनत के द्वारा जो बीज लगाया और वही बढ़ते बढ़ते उग्यास वही प्रकार आज वही फल वाणी के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है। महामति प्रणनाथ जी के द्वारा जो 18,758 चौपाई तारतम वाणी जो अवतरण हुआ, जो सारा विश्व ब्रह्मांड के आत्मा को अखंड सुख प्रदान करने के लिए वह वही बीज है जो सदगुरु महाराज ने धाम धनी ने उनके हृदय के अंदर वह बीज को भर दिया था अथवा बीज को बोया था। इसलिए हर क्षण हर घड़ी जैसे भी परिस्थिति में वो अपने प्रियतम धनी सदगुरु महाराज की दया और श्री राज्य की दया के विषय में चर्चा करते हैं, और इस तरह से चर्चा करके यहाँ बहुत सारे भाव ये जो दया के प्रकरण के अंदर महामति प्रणनाथ जी ने रखा है, और राज्य की दया ये जो यहाँ गुण शब्द के द्वारा दया शब्द के द्वारा जो वर्णन किया उसी को फिर प्रणनाथ जी आगे जाकर के जैसे मैंने कहा रास ग्रंथ में भी कृपा शब्द के द्वारा वो दया के विषय में बात की है, प्रकाश ग्रंथ में गुण शब्द के द्वारा वो दया को वर्णन किया और षटऋतु ग्रंथ में भी दया की भाव है और यहाँ कलश ग्रंथ में दया का प्रकरण ही है, और फिर आगे जाकर के और भी एक एक ग्रंथ में परमात्मा की दया के विषय में बताया है, विशेष करके आगे जाकर के फिर किरंतन ग्रंथ में जाकर के प्रणनाथ जी कहते हैं कि राज्य की दया धनी की दया उनकी गुण तो अखंड है, अलेख है, असीमित है, अपरंपार है, परंतु ऐसे असीमित अपरंपार अलेख जो दया है, जो कृपा है, जो मेहर है, ये कौन देख सकते हैं, कौन समझ सकते हैं। क्योंकि परमात्मा की कृपा को समझने के लिए, परमात्मा की कृपा को देखने के लिए, उनकी दया को आत्मसात करने के लिए भी
अंतर आंखा को जागृत करना होगा, खोलना होगा। जब तक विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके जागृत करके नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो धनी की कृपा को भी महसूस नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा तो हर किसी के ऊपर कृपा करते ही रहते हैं, इसलिए तो परमात्मा का नाम ही क्या है, दीन दुखियों को कृपा करने के कारण उनको दीन दयाल करके कहा है, दीनानाथ करके कहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना, दीन बंधु दीनानाथ, दीन के दयाल हो तुम। दीन दुखियों के ऊपर वो कृपा करते हैं और अपने आत्मा के ऊपर जो वो कृपा करते हैं ना, उस कृपा को तो फिर कहना ही क्या है। राज्य का तो हर दम हर घड़ी यही चिंतन बनी रहती है, किस तरह से मैं अपने आत्माओं को वो लाड प्यार दे करके आनंद ज्यादा से ज्यादा प्रदान करता रहूं। हर घड़ी हर पल परमात्मा की कृपा परमात्मा की दया सर्वव्यापक है। परंतु कई लोग कहते हैं मेरे ऊपर परमात्मा की दया क्यों नहीं होती। इस तरह से लोग कई अपने ऊपर परमात्मा की दया न होने का ऐसा भाव व्यक्त करते हैं, परंतु ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देता है, क्योंकि दया के प्रकरण से पहले हमने संबंध के प्रकरण के विषय पहले एक चर्चा कर चुके हैं, संबंधी आत्मा के ऊपर परमात्मा जरूर से जरूर दया करेंगे, कृपा करेंगे, मेहर करेंगे। इसका मतलब क्या है, परमात्मा की कृपा पात्र बनने के लिए, उनकी दया पात्र बनने के लिए पहले अपनी तरफ से परमात्मा का होना तो पड़ेगा, संबंध तो लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी महाराज ने कहा ना, दिल अपना दे उनकी लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। पहले अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने आप को मिटाना होगा, उसके बाद धनी किस तरह से कृपा करेंगे। महामती प्रणिनाथ जी महाराज जब पद्मावती पुरी पहुंचे, छत्रसाल जी के भाव को देखिए, पहले दाता हम भय गुरु को दिन है शेष, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ किन हो बख्शीश। देखिए तो पहले तो अपनी तरफ से समर्पित करना होगा, अपनी तरफ से शरणागति में जाना होगा, फिर कृपा करने वाले कृपा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। परमात्मा की कृपा हमें कितनी आवश्यक है। तो परमात्मा की जो कृपा है ना, वो तो कितना हम अनुभव करें अथवा उस कृपा को हम कितना आत्मसात करें, उसके लिए अपने ही हाथ में है सब कुछ। जिस तरह से कोई एक फैक्ट्री में, जैसे मान लीजिए एक चीनी का फैक्ट्री हो, वो चीनी फैक्ट्री से हम चीनी कितना उत्पादन करें, चीनी कितना निकालें, उसके लिए अपने ही हाथ में रहता है। इधर से हम वो रॉ मेटेरियल जो गन्ना है ना, वो जितना डालेंगे चीनी उतने ही अधिक मात्रा में निकलता है। इसी तरह से परमात्मा का मंदिर, सदगुरु का हृदय वह फैक्ट्री है, जहां से वह कृपा, वह गुण, वह दया प्रसारित होता है, प्रवाहमान होता है। परंतु उसके लिए जो रॉ मेटेरियल डालने की जरूरत है वो अपने पास में है। वो क्या है, हमारे अंदर जो श्रद्धा है, हमारे अंदर जो विश्वास है, हमारे अंदर जो प्रेम है। कि श्रद्धा विश्वास प्रेम को जब जाकर के हम परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, तब जाकर के वही श्रद्धा वही प्रेम वही विश्वास जब परमात्मा के हृदय स्पर्श होकर के, वो परमात्मा के हृदय रूपी फैक्ट्री के द्वारा होकर के जब आते समय, वही कृपा के रूप में दया के रूप में होकर के आएगा। और उसको हम समर्पित करते समय भी किस तरीके से समर्पित करें, जैसे मान लीजिए यहां पर एक फुटबॉल रखा है और उस फुटबॉल को उस दीवार में पहुंचा करके रिटर्न ले आना है अपने पास तक, अथवा अपने पास से भी कई दूरी तक पीछे तक पहुंचाना है, तो उस समय में वो बॉल को कहां तक पहुंचाना है रिटर्न बैक, वो अपने हाथ में है। उस बॉल को हम जितने जोर से मारेंगे उतने ही जोर से दीवार में जा करके टकरा के रिटर्न आते समय उससे भी और कई दूर तक जा सकता है। परंतु उस फुटबॉल को
मारने के लिए ही अगर ज्यादा बल नहीं लगाया, ताकत नहीं लगाया, जैसे तैसे लुढ़कते लुढ़कते दीवाल तक ही पहुंचा, तो फिर वो रिटर्न कैसे आ सकता है। ये उदाहरण के द्वारा समझने की बात यह है, हमारे अंदर जो श्रद्धा है, प्रेम है, जो विश्वास है, उस चीज को किस तरह से परमात्मा में समर्पित करेंगे, सदगुरु में समर्पित करेंगे, उसी के आधार पर हम जितने भाव से जितने दर्जा से उस चीज को समर्पित कर देते हैं, उसी के आधार पर वो कृपा के रूप में, दया के रूप में लौट करके आता है। इसीलिए वो परमात्मा दीन बंधु है, वो परमात्मा दीनानाथ है, वो परमात्मा पतित पावन है, वो परमात्मा मेहरवान है, वो कृपावान है, वो दीन दुखियों के ऊपर कृपा करते ही रहते हैं, मेहर करते ही रहते हैं, इसीलिए वो परमात्मा की कृपा में कोई कमी नहीं है। संबंधी आत्मा के ऊपर वो हर दम हर घड़ी कृपा करते ही रहते हैं, परंतु वो कृपा को आत्मसात करने के लिए, वो दया को आत्मसात करने के लिए, वो मेहर को देखने के लिए अपने अंदर वो दिव्य दृष्टि खुलना चाहिए, वो विवेक विचार रूपी आंख खुलना चाहिए, वो आत्मिक नजर अंदर का पट खुलना चाहिए, तब जाकर के ही परमात्मा के उस कृपा, उस मेहर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जिसकी वो विवेक विचार रूपी आंख ही नहीं खुला है, वो अंतर आंख जब तक नहीं खुली है, तब तक वो परमात्मा की कृपा का आत्मसात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए वो मेहर के विषय में अंतर आंख को खोल करके जब देखने वाली आत्मा परमात्मा की मेहर, राज्य की मेहर किस तरह से दर्शन करते हैं, उस भाव को भी प्रणिनाथ जी महाराज ने किरंतन ग्रंथ में जाकर के कहते हैं, सखिरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। सखिरी मेहर बड़ी महबूब के अखंड अलेखे, सखिरी मेहर बड़ी महबूब के अखंड अलेखे अंतर आखा खोल से ए सुख सोई देखे, ए सुख सोई देखे। सकिरे मेहर बड़ी महबूब के अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, इन जो के ते कहो मेहर को नाही सुमार, इन जो के ते कहो इन मेहर को नाही सुमार, मेहर को नाही सुमार। सखिरी मेहर बड़े महबूब के अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। क्यों मेहर मुझ पर भई एति दिल में शक, क्यों मेहर मुझ पर भई
के वह देत आप माफक मैं जानी मौज महबूब के वह देत आप माफक देत आप माफक शकीरे मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे शकीरे मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु सक मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु सक न सेवा न बंदगी यह मेरे बीतक न सेवा बंदगी यह मेरे बीतक यह मेरे बीतक सकी मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे सकीरे मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे हुकुम शरत आए मिले जो फुरमाए थे फुरमान हुकुम शरत आए मिले जो फुरमाए थे फुरमान महमत साथ को ले चले कर लीला निदान महमत साथ को ले चले कर लीला निदान कर लीला निदान सकीरे मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे सकीरे मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे अंतर आँखा खोल से ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे सकीरे मेहर बड़े महबूब के अखल्द अलेखे अखल्द अलेखे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं परमात्मा की कृपा तो अलेख है अखंड है परंतु उस कृपा को उस मेहर को कौन दर्शन कर सकते हैं कौन अनुभव कर सकते हैं सखीरी मेहर बड़ी महबूब के अखंड अलेखे अंतर आंखा खोल से ए सुख सोई देखे जो अंदर की आंखा खोल सकता है जो आत्मा की नजर को खोल सकते हैं जागृत कर सकते हैं धनी की मेहर को वही दर्शन कर सकते हैं ये बाह्य नजर चर्म चक्षु के द्वारा दर्शन करने वाली और अनुभव करने वाली चीज नहीं है ये
परमात्मा की कृपा को याद करते हुए आत्मसात करते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, मेरी अवस्था कैसी थी, कैसे अवस्था से मुझे धनी ने कहां पहुंचा दिया। अपने अवस्था के विषय में वो कहते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी यह मेरी बीतक। मेरी स्थिति ऐसी स्थिति थी, मेरे दिल में ना तो कुछ दर्द ही था, क्योंकि आत्मा के दिल में एक दर्द भी होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर क्या बता रहे हैं, एक आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने के लिए अथवा परमात्मा की कृपा पात्र बनने के लिए कैसे कैसे गुण चाहिए, उसका भी संकेत यहां पर प्रणिनाथ जी ने बताया है। तो कहते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक। इसका मतलब राज्य की कृपा पात्र बनने के लिए वो दर्द होना चाहिए, वो इशक होना चाहिए। इंद्रावती आत्मा कहती है, मेरे में तो न वो दर्द था न इशक ही था, न बंदगी न सेवा का भाव, न सेवा न बंदगी यह मेरी बीतक, ऐसी अवस्था में मैं थी। कहने का मतलब क्या है, जितने अपने आप को उस अवस्था में एक अनजान ना समझ उस अवस्था में पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उतनी ही राज्य की कृपा को आत्मसात कर सकते हैं। इंद्रावती आत्मा कहती है, मेरे में न दर्द न इश्क न सेवा न बंदगी कुछ नहीं था, परंतु आज मेरे धनी की दया से ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया कि हम तारे चौदे भवन चौदलोक ब्रह्मांड के विपार तारने वाले ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया। ये राज्य की दया है, उनकी दया है। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, इन जुआ केती कहो इन मेहर को नहीं सुमार। सृष्टि की शुरुआत से संसार में कई साधक आए, किसी ने इस संसार भव सागर का पार ही नहीं पा सका। और इंद्रावती आत्मा कहती है, मैंने भी इस संसार भव सागर से पार पा सकता हूं, ये कभी सोचा ही नहीं था। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, इस संसार भव सागर से पार उतर सकता हूं मैं, ये कभी सोचा ही नहीं था। परंतु मेरे धनी की दया, इन जुआ केते कहो इन मेहर को नहीं सुमार। धनी ने भव सागर से मुझे ही पार नहीं कराया, प्रणिनाथ जी के भाव से अगर देखा जाए तो मेरे द्वारा सारी सृष्टि को ही भव सागर से पार करा रहे हैं, और ये सारा सृष्टि को ही अखंड करा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी मेहर है। अब ये जो तारतम के माध्यम से ब्रह्म सृष्टि परमधाम में जागृत होंगे, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम में जागृत होंगे, और जीव सृष्टि जो है जिनका अंकुर ही नाश्वंत था, तारतम के माध्यम से प्रणिनाथ जी महाराज ने जो अष्टभिष्ट में अखंड सुख प्रदान किया ना जीव को, अष्टभिष्ट में जाकर के वो इंद्रावती की अधिष्ठात्री जीव है ना, उसको ही पूजा करेंगे सारे जीव। तो देखिए राज्य की दया, इंद्रावती आत्मा के ऊपर तो दया है ही, इंद्रावती के अधिष्ठात्री जीव जो है उनके ऊपर भी कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी मेहर है, जो अष्टभिष्ट में ही जिनकी पूजा होगी, जिनकी वंदना की जाएगी। तो ये राज्य की कृपा है, ये धनी की दया है। ये दया को वही समझ सकते हैं, वही जान सकते हैं, जिसके अंतर आंख खुल गया हो, अंतर पट खुल गया हो। जब अंदर का नजर खोल करके हम देखेंगे, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा की दया ही दया महसूस कर सकते हैं। बीतक के प्रसंग में भी लालदास जी महाराज ने शुक्राना करो याद करके एक प्रकरण, शुक्राना का प्रकरण लिखा है। काल के मोक्ष से निकाल करके किस तरह से अपने चरण तले अपने
मेहर के आश्रय में बचा करके रखा। बीतक की हर एक एक घटना को हम देखें, आत्माओं के लिए धनी ने किस तरह से सुरक्षित करके रखा है। तो अपनी तरफ से उस दर्जा का श्रद्धा समर्पण भाव होनी चाहिए। परमात्मा कभी भी अपने आत्मा को निराश नहीं बनाएंगे। तो अब आगे जाकर के महामती प्रणिनाथ जी महाराज ये किरंतन ग्रंथ में जो मेहर के विषय में चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़कर के और भी कई जगह हमें मेहर के विषय में वर्णन किया है। जिन मेहर की चिंतन करा करा करके इस संसार मोह सागर से हमारी चित्त वृत्ति को ऊपर उठा करके वो परमात्मा के मेहर के सागर में डुबाने के लिए ये सारी बातें वाणी के माध्यम से जाहिर करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे जाकर के जैसे ही परमधाम का वर्णन हुआ, परिक्रमा ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन हुआ, फिर आगे जाकर के सागर ग्रंथ में मूल मिलावा के अंदर की जो शोभा, अंदर की जो सागर, 8 सागरों का वर्णन करते हुए अंतिम में जो 8वां सागर है मेहर सागर का वर्णन प्रणिनाथ जी ने किया है, जिसका तो नाम ही मेहर का सागर है। रास ग्रंथ से लेकर के वो कृपा, वो दया, वो गुण के विषय में उठाते उठाते सागर ग्रंथ में पहुंच करके जो मेहर सागर का वर्णन किया है ना, उसके विषय में तो फिर कहने ही क्या। और सागर जो मेहर का, सो शोभा अति लेत, लहरे आवे मेहर सागर खुबी सुख समेत, हुकुम मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंगा, इसक आवे मेहर से बेसक इलम तिन संगा, पूरी मेहर जीत हक की तीत, और कहा चाहिए ता हक मेहर तीत होता है जीत असल है निस्वत। इस तरह से प्रणिनाथ महाराज ने जो मेहर सागर में उसी गुण को, उसी दया को, उसी कृपा को मेहर शब्द के द्वारा वर्णन किया। और ये मेहर सागर तो ऐसी चीज है ना, जो स्वयं अक्षराती धामधनी श्रीराज जी महाराज की दिल का सागर ही मेहर का सागर है। मेहर सागर में पहुंचने का अर्थ है राज्य के दिल में डूब जाना, और उसमें तो अनंत रंग है। 8 सागरों का वर्णन करते हुए मेहर सागर जो है ना, सर्वरस सागर, जिसका बातुनी अर्थ मेहर सागर में है, उसमें तो अनंत रंग है, उसमें अनंत आनंद है। और वहां पर जाकर के भी आत्मा को वही मेहर को याद दिलाते हुए कहते हैं, यहां तक पिंडा ब्रह्मांडा सब मेहर के बीच बसत। हमें जो यह पिंडा 5 तत्व का जो शरीर मिली है ना, ये भी राज्य की मेहर है। जो हम ब्रह्मांड खेल देख रहे हैं, ये भी राज्य की मेहर है। और वहां जाकर के मेहर सागर में तो प्रणिनाथ जी ने यहां तक की भाव बताया है, मेहर होता है जिन ऊपर मेहर देखत 5 तत्व। जिस आत्मा के ऊपर राज्य की मेहर हुई ना, वो तो 5 तत्व में ही मेहर का दर्शन करते हैं। अब देखिए, जिसने 5 तत्व में मेहर का दर्शन किया, अब उसके लिए मेहर के अलावा है ही क्या। क्योंकि 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का हमारा शरीर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से शरीर में 5 तत्व है, उसी तरह से ब्रह्मांड में 5 तत्व है। और ये 5 तत्वों को, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर को संचालन करने के लिए 6 तत्व चेतन तत्व, जिसे आत्मशक्ति कहते हैं, और 5 तत्वों की ब्रह्मांड को संचालन करने वाली 6 तत्व परमात्मा की सत्ता, परमात्मा के हुक्म व्यापक है। जब 5 तत्वों में ही जिसने परमात्मा की दया, परमात्मा की मेहर, राज्य की मेहर का दर्शन किया, अब उसके लिए फिर बचा ही क्या। यत्र तत्र सर्वत्र मेहर ही मेहर है। हम साधना के प्रारंभिक तह में जब हम बैराग का अध्ययन करते हैं ना, 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे नीचे का लोक पाताल का लोक है, और पाताल लोक में
उसमें भी नीचे का भाग जो है वो गर्भोदक समुद्र का भाग है, वो मोहजल का अंश रूप पानी है करके वो मोहरूपी सागर के ऊपर चौदह लोग ब्रह्मांड को खड़ा करते हैं। हाँ सही बात है, परंतु यहां की दृष्टि से संसार की दृष्टि से संसार को देखते समय, संसार की गुणों से संसार को देखते समय चौदह लोग ब्रह्मांड के सबसे नीचे मोह का सागर है, परंतु तारतम्य के द्वारा चिंतन करते साधना करते अपने चिंतन को बढ़ाते हुए और वो महाकारण दृष्टि में पहुंच करके राज्य के दिल के अंदर जाकर के अगर देखेंगे और उस भाव गहराई में जाकर के देखेंगे चौदह लोग ब्रह्मांड के सबसे नीचे वह मोह का सागर नहीं है, वहां पर मेहर का सागर प्रतीत होने लगेंगे। क्यों ऐसा? शुरुआती अवस्था मोह के सागर से ही शुरू होना है, परंतु अंतिम श्वास तक भी वह मोह का सागर, मोह सागर में ही रहा तो फिर जीवन सारा मोह में ही व्यतीत हुआ, क्योंकि वो सागर के ऊपर यह चौदलोक ब्रह्मांड खड़ा है, चौदलोक ब्रह्मांड टिका हुआ है। जब मोह के सागर के ऊपर चौदलोक ब्रह्मांड को रख दिया और स्वयं उसी में पड़े तो हम फिर मोह सागर से कब पार उतरेंगे? और उसको हम मेहर सागर के रूप में दर्शन कर सकते हैं। कैसे? परमात्मा की कृपा, राज्य की कृपा जब हो, पांच तत्व में ही मेहर ही मेहर का दर्शन होना, पिंड में भी मेहर, ब्रह्मांड में मेहर। प्राणिनाथ जी कहते हैं मेहर के बीच बसता, ये आत्मा तो राज्य की मेहर के सागर के बीच में ही बैठे हुए हैं। तो विचार करिए, जबकि प्राणिनाथ जी मेहर सागर में जाकर के कहते हैं कि वो आत्मा मेहर सागर के बीच में बैठ रहे हैं, तो फिर वो जहां हम बैठ रहे हैं, जिस सागर में हम बैठ रहे हैं, वो सागर फिर किस कौन सी सागर है? वो मेहर का सागर है। अपने जीवन को परमात्मा की कृपा के सागर, मेहर के सागर के अंदर प्रवेश करा देना, जीवन को चलाने में इतना आसान होता है। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। जमीन के ऊपर रखा हुआ नाव को अगर हिलाना हो कितना मेहनत लगता है, कई लोग मिलने पर भी उसको हिला नहीं सकते, चला नहीं सकते, परंतु उस नाव को समुद्र के अंदर ले जाए और वहां पर ले जाकर के उसको चलाना हो ना, एक ही आदमी जो खेवैया होते हैं ना नाव चलाने वाले, आसानी से कई लोगों को उसके ऊपर बिठा करके रख करके नाव को चला करके समुद्र पार करते हैं अथवा समुद्र का विहार करते हैं। कई बार हम समुद्र यात्रा के लिए जाते हैं ना, विहार करने के लिए हम कई लोग बैठे हुए होते हैं उसके ऊपर, परंतु वो एक आसानी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, घुमा रहे हैं, परंतु उसी को अगर जमीन के ऊपर रख दे तो हम सब मिलकर के भी उसको हिला नहीं सकते। इसी तरह से अपने जीवन को ये उजाड़ संसार रूपी जमीन के ऊपर रखेंगे और एक अहंकार का बोझ बना करके अपने जीवन रूपी नाव को अगर रखेंगे, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। परंतु इस जीवन रूपी नाव को परमात्मा की कृपा रूपी सागर के अंदर ले जाकर के हम जब छोड़ देंगे ना, परमात्मा की कृपा अपने आप जीवन रूपी नाव को आसानी से पार करा देंगे। इसीलिए जिस सागर में हम बैठे हुए हैं वो सागर मेहर का सागर है। यही तो तारतम की खूबी है, यही तो तारतम का क्षमता है। जीव भाव से हम जैसे यात्रा प्रारंभ करते हैं, आत्मा भाव में पहुंच करके सुहागिन के दर्जा में पहुंचा देता है और परमधाम का शाश्वत सुख हमें यहां पर अनुभव करा देता है। ये तारतम की विशेषता है और यही राज्य की कृपा है, राज्य की मेहर है। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। और ये जो पिंड हमें मिली है ये राज्य की मेहर है, ये खेल हमें जो मिला है ना ये भी राज्य की मेहर है। और इस खेल के बीच में स्वयं अक्षरातीत धाम धनी तीन सूरत में
बसरी मलकी और हक की सूरत होकर के आए, बसरी स्वरूप होकर के जब आए साक्षी दिया, मलकी स्वरूप ने तारतम ज्ञान तारतम मंत्र को लेकर के आए परमधाम का दरवाजा खोल दिया, और हक की स्वरूप में महामति प्रणिनाथ जी आकर के वो परमधाम का सुख ही हमें यहां उतार करके दिया, तो इससे बढ़कर के फिर मेहर क्या हो सकता है। दुख रूपी संसार के बीच में परमधाम का सुख अनुभव करा रहे हैं, जिससे संसार भवसागर से पार पाने की तो कोई बात ही नहीं है, उसके किनार तक भी कोई नहीं पहुंच सके थे, परंतु धनी की कृपा से राज्य की कृपा से ये मेहर के बल पर आसानी से हम संसार सागर से पार उतर गए, और संसार में होते हुए भी ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, देखन को तन सागर माहे, देखने के लिए संसार सागर में दिखाई देते हैं, परंतु उनके लिए तो वही राज्य की मेहर का सागर है। और आगे जाकर के प्रणिनाथ जी कहते हैं, अब तक मैंने जो कुछ भी मेहर के विषय में गुण दया कृपा जो भी शब्दों के द्वारा वर्णन किया, वो सागर मेहर सागर के उस गहराई में जाकर के देखा, अब तो प्रणिनाथ जी स्वयं जी हाथ ऊपर करके कहते हैं, ये मेहर वर्णन करने की बात नहीं है, शब्द में लाकर के समझाने की चीज नहीं है, ये अखंड है, अपार है, असीमित है। सात सागर का तो मैंने जैसे तैसे वर्णन किया, परंतु ये आठवां सागर जो मेहर का सागर है ना, ये मेहर सागर का वर्णन हो ही नहीं सकता। क्यों? जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहर मेहर मपाए। अगर यदि कदाच थोड़ी सी समय मेहर खड़े होकर के अगर रुक जाते, उसको गणना किया जा सकता, परंतु पल पल में लहरों के ऊपर लहरें उछलते बढ़ते जा रहा है मेहर का, तो इस मेहर का फिर कहां तक वर्णन करें, कैसे वर्णन करें, इसका कोई पारवार ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जिस तरह से हम एक सागर में जाकर के उसकी गहराई उसकी लंबाई चौड़ाई को हम कभी मापन ही नहीं कर सकते, और उसमें भी एक मिस्त्री का जो ढीका है वो जाकर के सागर की गहराई को नापने के अगर प्रयास करें, कभी संभव है क्या? संभव ही नहीं है। और जो आशी की आत्मा है, वो आशी की आत्मा, वो सुहागीन आत्मा राज्य की वो मेहर के सागर के किनारे में पहुंचते ही वो तो उसी में गलित गाद हो जाता है, वो लौट करके नहीं आ सकता, वो शब्द में व्याख्या नहीं कर सकता, वो असीमित है, वो अथाह है। जबकि स्वयं प्रणिनाथ जी महाराज स्वयं धनी के गुण के विषय में, धनी की मेहर के विषय में ये शब्दातीत है, अवर्णनीय है, इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, तो बाकी फिर अब विचार करें हम किस जुआ के द्वारा किस तरह से धनी के गुण गा करके पार पा सकते हैं। हां, उनकी गुण गा करके उनकी मेहर को गा करके कभी पार नहीं पा सकते, उसका कोई पारवार ही नहीं है, परंतु कम से कम इन भावों को सुन करके, इन चौपाइयों का चिंतन करके, कम से कम इतना तो आत्मसात करना चाहिए कि वास्तव में हमारे ऊपर राज्य ने कितनी बड़ी मेहर की है, वो मेहर को तो कम से कम आत्मसात करना चाहिए। एक बार राज्य की मेहर अगर आत्मसात हो जाए, अनुभव हो जाए ना, फिर अब बस बाकी किसी भी चीज का कोई जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी ने कहा ना, पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। जिसके ऊपर राज्य की पूर्ण मेहर हुआ, पूर्ण दया हुआ, उसके लिए अब क्या चीज जरूरत है? इसका मतलब क्या, राज्य की मेहर पूर्ण होने का अर्थ संसार में हम जो कुछ भी इच्छा करें, जो कुछ भी मतलब चाहना रखें, राज्य वो सारे के सारा पूरा कर देते हैं। पूर्ण करने से
तीता और कहा चाहिए तो वाली बात नहीं है। राज्य जब मेहर करते हैं ना, धनी जब कृपा करते हैं ना, किसी भी वस्तु प्राप्ति की चाहना को ही दिल में आने नहीं देते हैं, ऐसी मेहर होती है। जब दिल में चाहना ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, तो फिर पूर्ण करने की क्या आवश्यकता। और वास्तव में अगर कहूं, राज्य को अपने आत्मा के प्रति अगर पूर्ण मेहर करना हो ना, संसार के धन दौलत सब परिपूर्ण करने की बात तो नहीं है, जो है उसको भी छीन लेते हैं। लालदास जी महाराज के बीतक को देखें, 900 जहाज के मालिक थे वो, जब तक उसको पूरी तरह से पानी में नहीं डुबाया तब तक वो निकलते ही नहीं। इसलिए राज्य ने ऐसी मेहर कर दी, पूरी तरह से खाली हाथ कर दिया। ये भी राज्य की मेहर है। इसलिए राज्य की मेहर होने का अर्थ ये नहीं कि संसार के वस्तु के द्वारा संपन्न बना करके रखेंगे, ऐसी बात नहीं। अरे राज्य की मेहर की बात करते हैं। एक देवी की उपासना करने वाले भक्तों के लिए भी देवी माता ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हे भक्तों, आप लोग मेरी उपासना तो कर रहे हैं, अगर मैं किसी के ऊपर प्रसन्न होकर के किसी को मैं कृपा करना चाहूं, अनुग्रहित करना चाहूं, तो मैं उन्हें क्या करता हूं, सुदृढ़ सुनिश्चल भक्ति जो है श्री कृष्ण की भक्ति वहां तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि मोक्षदायक मैं नहीं हूं। श्री कृष्ण के भक्ति तक मैं पहुंचा सकता हूं, परमात्मा के अनन्य भक्ति तक मैं पहुंचा सकता हूं, परंतु जिसके ऊपर मैं ठगना चाहता हूं ना, उसको मैं संसार का धन दौलत यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दे करके यहीं पर भ्रमित कराता रहूंगा। ये बात तो स्वयं स्पष्ट रूप में देवी माता स्वयं देवी भागवत के अंदर कहती है। जब चौदलोक ब्रह्मांड के एक साधना करने साधक भक्तों के लिए भी भगवान की कृपा अगर होना हो तो संसार के वस्तु से अलग करा करके कृपा करते हैं, वो परम सुख आनंद प्रदान करने के लिए, फिर परम धाम की सुहागिन आत्मा के लिए ये संसारी वस्तु की क्या जरूरत है। इसका मतलब परमात्मा कृपा करेंगे तो हमें संसारी वस्तु नहीं देंगे, तब तो फिर परमात्मा की कृपा से तो वंचित रहना चाहिए, ऐसा भी कई लोगों का भाव रहता है। क्योंकि आज तो दुनिया में सब किसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो दुनियादारी बिता हुआ है ना, इसीलिए कई लोग क्या करते हैं ना, भक्ति में प्रवेश करते हैं, भक्ति प्रारंभ करते हैं, और भक्ति में प्रवेश करके धर्म मार्ग में अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करके कुछ दिन बाद में छोटी सी भी अगर कुछ घटना अगर घटे तो कहते हैं ये धर्म अच्छा नहीं है, ये धर्म को धारण करने से, ये मंत्र को धारण करने से मेरा ऐसा नुकसान हुआ करके धर्म को ही परित्याग कर देते और परमात्मा को दोष लगा देते, ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा जो जिस भाव से चाहे उसी भाव की कृपा होती है। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने कहा, दो मेहर देखत खेल में, ये खेल के बीच में परमात्मा की कृपा दो प्रकार की कृपा है। कैसे? एक जाहिरी कृपा, एक बातुनी कृपा। परंतु प्रणिनाथ जी आगे कहते हैं, लोक देखे ऊपर का जोहूर, संसार के लोग तो ऊपर का जोहूर बाहरी कृपा को ही पसंद करते हैं, परंतु प्रणिनाथ जी ने आगे ये स्पष्ट किया, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखर हो तो हक से दूर। जिसको राज्य के अंदर की मेहर जिसके प्रति नहीं है, कोई भी समय में परमात्मा के चरण शरण से वो दूर चला जाएगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए जो परमात्मा की वो बातुनी कृपा में जो डूब जाते हैं ना, उसकी तो फिर जीवन में कहना ही क्या होता है, वो तो रस मगन भई सो क्या गावे, वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। जिधर देखे उधर मेहर ही मेहर, जिधर देखे उधर कृपा ही कृपा,
दया ही दया, गुण ही गुण, ऐसी अवस्था में जब वो पहुंच जाते हैं तो देखिए परमात्मा की कृपा कैसी होती है। वो आत्मा परमात्मा की कृपा को याद करते हुए अंदर भाव से उसी सुख में, उसी आनंद में मदमस्त हो जाती है और कहती है, मेहर उनके अखंड अपार, मेहर उनके अखंड अपार, मोमिन मेहर तले अपने वतन चले, मेहर सुख का नहीं पारवार, मेहर उनके अखंड अपार, मेहर उनके अखंड अपार, मेहर सिरो हो ने पाए कदम, मेहर से आके मिले हैं खसम, मेहर से रूह ने पाए कदम, मेहर से आके मिले हैं खसम, पल में कोट गुने मेहर करते धनी, अपने अंगनाओं पे बार बार, मेहर उनके अखंड अपार, मेहर उनके अखंड अपार, मेहर ने हमको ऐसा किया, सब हकीकत लिए ऐसे नियामत लिए, सब हकीकत लिए मेहरे खेलावे संग आधार, मेहरे उनके अखंड अपार, मेहरे उनके अखंड दिल की परम पार, मेहर हक दिल की परम पार, मेहर उनके अखंड अपार, मेहर उनके अखंड पहचान मेहर से हो, मेहर बिना यहाँ जागा न कोई, मेहर की पहचान मेहर से हो, मेहर बिना यहाँ जागा न कोई, मेहर इल्ला
मेरे इश्क कह दिया सागर में है रखे है सिरेरा सागर में है रखे है सिरेरा आज मेरे उनके अखंड श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेहर उनकी अखंड अपार, परमात्मा की कृपा, राज्य की कृपा इतनी अखंड है, इतनी अपरंपार है। इसी मेहर में राज्य का इलम है, इसी मेहर में राज्य का इश्क है, इसी मेहर में राज्य का हुकुम है, और इसी मेहर में राज्य का जोश है। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी ने मेहर सागर में ही दूसरी चौपाई में कहा, हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंगा, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तीन संग। जिस आत्मा के ऊपर राज्य मेहर करे, अपनी दया करे, राज्य की हुक्म उसी मेहर के साथ में रहता है, क्योंकि हुक्म मेहर के हाथ में। हुक्म के विषय में हमने सुना है, यत्र तत्र परमात्मा की हुक्म व्यापक है। स्वयं प्रणिनाथ जी कहते हैं, ये सृष्टि की रचना हुई है वो भी हुक्म के द्वारा ही है, और हम संसार को देख रहे हैं ये भी राज्य के हुक्म के द्वारा ही है, और हमें परमधाम में अगर जागृत होना हो वो भी राज्य के हुक्म के द्वारा ही है। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्मे, हुक्मे दर्शन दिखा वही कछुना बिना हुक्म खसम। हुआ है सब हुक्मे, होत है सब हुक्म, होशी सब कछु हुक्मे, कछुना बिना हुक्म खसम। सब कुछ राज्य के हुक्म के द्वारा है, तो ऐसी हुक्म की महिमा बताया है। परंतु ये दया का सागर, ये मेहर के सागर में प्रणिनाथ जी कहते हैं, ऐसा हुक्म भी मेहर के हाथ में है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंगा, जो जोश एक आवेश शक्ति है वो भी मेहर का ही अंग है। राज्य अगर मेहर करे तभी आत्मा को जोश प्रकट होता है। जैसे 12 मोमिन दिल्ली में बादशाह को संदेश देने के लिए तैयार हुए, तो उन लोगों के अंदर कैसा जोश था। मृत्यु को भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, ऐसा जोश अंदर से जो भर रहे हैं, उमड़ करके आ रहा है, ये भी राज्य के मेहर के द्वारा ही संभव है। जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से। इश्क जिसके विषय में हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, इश्क के विषय में तो और कहना ही क्या है। इश्क जब हृदय में प्रकट हो जाए, उसी के माध्यम से राज्य का चरण साक्षात्कार हो सकता है। राज्य की नूरी स्वरूप का दीदार कराने वाले वो इश्क, वो भी राज्य के मेहर के द्वारा ही संभव है। और बेशक इलम तीन संगा, बेशक इलम भी जिस आत्मा के ऊपर राज्य की मेहर है, उनके पास ही वो बेशक इलम रहता है। ऐसी मेहर है, ऐसी दया है। तो महामति प्रणिनाथ जी महाराज ने वाणी के अंदर हर प्रकार से परमात्मा की दया के विषय में चर्चा किया। तो हम कलश ग्रंथ के माध्यम से जो दया का प्रकरण उठा रहे हैं, सिर्फ कलश ग्रंथ में ही दया की बात नहीं है, तो हर चौपाई में वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो एक एक शब्द, एक एक चौपाई ही राज्य की दया है। क्योंकि हर चौपाई में भाव यही है, किस तरह से आत्मा को जागृत करा करके परमधाम का सुख प्रदान करें, और परमधाम में श्री राज्य के चरणों में आत्मा को जागृत कराएं, उसके लिए सारी बातें हैं। तो एक एक शब्द हमें राज्य के वो सुख और आनंद को प्रदान करने वाला, परमधाम का लज्जत अनुभूति कराने वाला है। इसलिए वाणी की एक एक शब्द ही राज्य की दया का अंग है, राज्य की मेहर का अंग है। और जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा राज्य की कृपा के द्वारा, राज्य की दया के द्वारा हो रहा है। ये भाव जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, फिर जीवन में बाकी चीज चाहिए ही क्या। इस तरह से महामति प्रणिनाथ जी महाराज इन दया के प्रकरण के ऊपर चर्चा कराते हैं। और ये हुआ दया का कलश, ये हुआ मेहर का कलश।
क्योंकि ये कलश ग्रंथ के प्रकरण के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी प्रसंग में वाणी के अन्य भाव को भी जोड़ रहे हैं। तो ये कलश ग्रंथ में जो दया का प्रकरण प्रणिन्यास जी ने वर्णन किया अथवा दया का प्रकरण के माध्यम से हमें जो समझा रहे हैं, ये परमात्मा की दया में भी एक कलश है। क्योंकि संसार में बहुत सारे भक्तों को भगवान ने अलग अलग प्रकार से अपनी दया की है, परंतु उन दया में से भी राज्य महाराज ने अपने रूहों के ऊपर जो दया की है, वो दया को तो कोई शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। वो असीमित है, वो अपरंपार है। एक बार राज्य की मेहर, राज्य की दया अगर आत्मसात हो जाए, परमात्मा की दया अगर आत्मसात हो जाए, यत्र तत्र सर्वत्र उनको दयाई दया दिखने लगेंगे। इसीलिए तो पहले कहा ना, प्रणिनाथ जी महाराज जैसे जैसे अवस्था में जहां जहां पहुंचे, सारी अवस्था परिस्थिति में राज्य की कृपा को सन्मुख बना करके वो आगे जा रहे हैं। चाहे सूरत की सिंहासन में जो कुछ भी शोभा मिल रहे हो, वो भी राज्य की दया का रूप दर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार के सिंहासन में आसन में कोई आरती उतार रहे हैं, वहां भी राज्य की दया है। और इतना ही नहीं, पद्मावतीपुरी धाम की जो 11 वर्ष की जो जागरणी लीला है ना, उसको तो कहे नहीं क्या है। वहां पर तो प्रणिनाथ जी महाराज के अंतर हृदय में स्वयं अक्षराती धाम धनी हक्की स्वरूप में विराजमान होकर के प्रणिनाथ जी की वो लीला है। और उस समय में जो कुछ भी वहां पर लीला हुई, वो सारे के सारे राज्य की दया है, धनी की दया है। सुंदर साथ प्रणिनाथ जी करके, धाम धनी करके जो एक भाव के द्वारा सेवा कर रहे हैं, वो सारी भाव स्वयं अक्षराती धाम धनी ने एक शोभा दी है। इसका सारा का सारा श्रेय अक्षराती धनी को देते हैं। और इस तरह से राज्य की मेहरमया, धनी की मेहरमया अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और सारा अपने जीवन को ही राज्य की मेहर के सागर में डुबाया हुआ ऐसी अनुभव कर रहे हैं। तो इन दया के विषय की बातें, मेहर के विषय की बातों को सुन करके हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो कि वास्तव में आत्मा के ऊपर राज्य ने कितनी अथाह मेहर किया है। हमने उस चीज को आत्मसात न कर पाना, वो हमारी कमजोरी है, परंतु धनी ने अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं रखा। इसलिए धनी के इन गुणों को देखते हुए, इन मेहर को देखते हुए, इस दया को देखते हुए, उसका लायक बनने का और उसका जो अनुभव करने का, उसका लज्जत अनुभूति करने का वो क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। तो वाणी चर्चा का आज का समय हमारा पूरा हुआ है। आज के प्रसंग में जो प्रणिनाश के वाणी में जो दया के प्रकरण के आधार पर हमने जो कुछ भी चर्चा किया, हम सबके ऊपर परमात्मा की दया बनी रहे। और जिस भाव में इन दया के प्रकरणों में, मेहर के प्रकरणों में जो भी भाव बताया गया, हमारा वो अंतर्दृष्टि खुल जाए और राज्य की वो दया, राज्य की वो मेहर को आत्मसात कर सके, और यहीं जागने के सुख में उस मेहर को समझ करके फिर राज्य के चरण शरण में जा करके भी उस मेहर को, उस इश्क को और विस्तार करके हम परम धाम का शाश्वत सुख आनंद में अनुभव कर सके, डूब सके, ऐसी कृपा हम सबके ऊपर राज्य की हो। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए मैं प्रसंग को यहीं पर विश्राम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। अब तो मेरे पिया की, अब तो मेरे पिया की दयान समावे इंद, दयान समावे इंद, ए गुण मुझे क्यों बिसरे, ए गुण मुझे क्यों बिसरे, मोसो हुए सब अखंड, मोसो हुए सब अखंड, मोसो हुए सब अखंड, मोसो हुए सब अखंड। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम प्रणाम।